दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर भड़के और कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने भेड़ पालकों और गद्दी समुदाय पर टिप्पणी की है, उसके लिए उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कभी मुख्यमंत्री विधायकों को काला नाग की संख्या देते हैं तो कभी भेड़ पालकों के साथ उनकी तुलना करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री सत्ता के मोह में और कुर्सी को बचाने के संघर्ष में अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और उन्हें क्लिनिकल इलाज की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर अपने दिए गए बयानों पर मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो हिमाचल प्रदेश के भेड़ पालकों को बड़ी संख्या में सड़कों पर मुख्यमंत्री के खिलाफ उतरना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, कभी तो वो चुने हुए हमारे जो माननीय विधायक हैं उनको काला नाग की संज्ञा दे रहे हैं, कभी चुने हुए विधायकों की जो तुलना है वो भेड़ों के साथ कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को गडरिया की संज्ञा दे रहे हैं। मुझे ये लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ट्राइबल समाज जो गद्दी समुदाय है और गद्दी समुदाय की जो मुख्य जीविका वो भेड़ पालन है और गडरिये का और भेड़ों का इस प्रकार से उपहास बनाना, ये मुझे लगता है कि सीधी सीधी कांग्रेस पार्टी के उनके नेता की मानसिकता का एक खुला उदाहरण है। और मैं उनको चेतावनी देता हूँ कि वो इस बयान को लेकर वो हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल समाज से माफी मांगे, नहीं तो ट्राइबल समाज को आने वाले दिनों में सड़कों पर उतने पर मजबूर। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।